आज मैं लेकर आई हूँ ऑल इन वन चटनी की रेसिपी। इसमें आपको एक नहीं तीन तीन फ्लेवर मिलेंगे, खट्टा मीठा तीखा सारी फ्लेवर आपको एक ही चटनी में मिलेंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें डाला है पानी, 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है मैंने। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। तो मैंने यहाँ पर 750 ग्राम टमाटर लिया है और उसमें ऐसे बीच में चीरा लगा लिया है। जब हम चीरा लगाकर टमाटर को उबालेंगे ना तो हमारे टमाटर बहुत अच्छे से उबलेंगे, फटेंगे नहीं पानी में। और फ्रेंड्स, हम जितने ज़्यादा लाल टमाटर इस्तेमाल करेंगे हमारी चटनी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी और देखने में अच्छी लगेगी। हमें इसमें कोई कलर नहीं डालना पड़ेगा। तो मैंने सारे टमाटर डाल दिए हैं और अब मैंने लिया है लहसुन की कलियाँ। एक बंच लहसुन मैंने यहाँ पर पूरा इस्तेमाल किया है और हरी वाली धनिया होती है ना उसकी मैंने पत्तियाँ अलग कर ली हैं और डंठल का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और घर में जो नॉर्मल लाल मिर्च यूज होती है उसी को मैं यहाँ पर डालूंगी। तो मैंने क्या किया, लाल मिर्च से बीज को अलग कर दिया है और सिर्फ जो ऊपर के खोखले होते हैं ना वो डाले हैं मैंने। और टेस्ट के हिसाब से हम इसमें डालेंगे नमक। मैंने 1.5 चम्मच नमक डाला है और इसे ढककर हम 3 से 4 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर पका लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे टमाटर अच्छे से पक गए हैं, जल चुके हैं। अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब हमारे टमाटर अच्छे से ठंडे हो जाएंगे ना तब हम इसका बारीक सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार ये रेसिपी जरूर से ट्राई करना और रेसिपी पसंद आए ना तो मुझे कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलना। अब हम चटनी बनाने का मेन प्रोसेस देखेंगे। तो इसके लिए क्या किया है, मैंने एक कढ़ाई लिया है और इसमें 1/4 कप सरसों का तेल डाला है। तेल हमारा जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसमें डालेंगे बारीक चॉप किए हुए लहसुन। लहसुन को हमें ज़्यादा नहीं पकाना, हल्का सा ही कलर चेंज होना तभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है क्योंकि हमने पहले ही तीखी वाली लाल मिर्च डाली है ना, तो हमें यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च डालनी है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने पेस्ट बनाकर रखा था टमाटर का वो, और इसे लगातार चलाते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। फ्रेंड्स, आप एक बार ये चटनी जरूर बनाकर ट्राई करना, आपको इसका टेस्ट इतना अच्छा लगेगा ना आप हमेशा ये चटनी बनाकर अपने घर में रखेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 चम्मच सोया सॉस डाला है, 2 चम्मच विनेगर डाला है और इसे भी डालकर हम पका लेंगे लगातार चलाते हुए। और इसी स्टेज पर अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच चीनी। 1 चम्मच चीनी जब हम इसमें डालेंगे ना तो हमारी चटनी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी ना, इसमें सारे फ्लेवर मिलेंगे, खट्टे मीठे तीखे। और मैंने यहाँ पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाला है, इससे भी इस चटनी का जो टेस्ट है ना वो कई गुना बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर चटनी में सारी चीज़ें डाल दी हैं और इसे अब हम ढककर पकाएंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर। फ्लेम हमें यहाँ पर बिल्कुल भी हाई नहीं करनी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और अब हम ढक्कन हटा कर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी चटनी कितनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। ये देखने में जितनी ज़्यादा अच्छी है ना ये खाने में भी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी होगी। तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें, आपको इसमें 3-3 चटनियों का फ्लेवर मिलेगा, आप इसे एक बार ज़रूर से बनाएँ। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।